ओके okay जी अच्छा जी क्लास यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है टॉपिक हमारा आज का रिकरियन है ठीक है जी रिकरियन में हम लोग मैक्स का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ रिकरियन में होता ही है कि आप लोग इट्स जिस फंक्शन से कॉल कर रहे हैं और जिसको कॉल कर रहे हैं वो सेम फंक्शन होता है यानी कि लेट सपोज अगर आपने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट बिल ठीक है जी ये क्या कर रहा है ये बेसिकली खुद को कॉल कर रहा है अगर आप उसके अंदर खुद को उसी को कॉल कर रहे हैं उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर दैट्स कॉल्ड द रिकर्सिव फंक्शन आर ठीक हो गया जी तो अब यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं बात को देर आर एन पीपल ठीक है जी एक रूम है जहाँ पे एन लोग हैं एन कोई भी हो सकता है आठ हो सकता है नौ हो सकता है पाँच हो सकता है चार हो सकता है तीन इफ ईच पर्सन शेक्स हैंड वंस विद एवरी वन विद एवरी अदर परसन वट इज द टोटल नंबर एच ऑफ ऑफ हैंड शेक्स यानी लेट सपोज एक कमरा है उसके अंदर एक पर्सन ये है एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है अगर ये जो पर्सन है ये जो पर्सन है, है ये इससे भी हैंड शेक कर रहा है ये इससे भी हैंड शेक कर रहा है ठीक है जी ये इससे भी कर रहा है अब और ये जो पर्सन है ये इससे हैंड शेक कर रहा है इससे तो उसका हो ही रहा है ना हैंडशेक ये इस पर्सन के साथ हैंड शेक हो ही रहा है इसके साथ भी हो गया अब इसका देखिए तो इसका इसके साथ भी हैंड शेक हो रहा है इसके साथ भी हैंडशेक हो रहा है ठीक है जी देखते हैं इसका हमारे पास क्या है लेट्स सपोज अगर दो पर्सन है ठीक है जी दो लोग हैं तो वो आपस में हैंड शेक करते हैं तो एक हैंडशेक होगा उनका आपस में ठीक है जी और अगर तीन है तो एक दो का हैंड शेक ठीक है जी और प्लस टू हमारे पास उसके अंदर आ जाएगा ठीक है जी एच ऑफ टू हमारे पास क्या है वन है ठीक है जी तो एच ऑफ टू की वैल्यू वन और प्लस हमारे पास टू आ जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थ्री जो कि मैंने आपको इधर एग्जाम्पल के साथ बताई भी है कि कैसे आएगी ठीक है जी यानी कि दो का हैंड शेक और देन एक तीसरा जो हमारे पास है वो आ जाएगा ऐसे ही एच ऑफ थ्री है अगर ठीक है अगर आप लोगों ने अच्छा फोर फाइंड करना है चार लोगों के आपस में किस तरीके से हैंड शेक होंगे जी, मैं चार बना देता हूँ ठीक है जी तो ये हमारे पास क्या होगा कि जो तीन लोगों के हैंडशेक है, इसमें हम लोग प्लस तीन कर देंगे अच्छा होगा क्या ये पर्सन इसके साथ हैंड शेक हो गया इस पर्सन का इसके साथ भी हैंड शेक हो गया इस पर्सन का इसके साथ भी हैंड शेक हो गया यानी एक इस बंदे का तीनों के साथ हो गया अब इसका देखें कि इसके साथ नहीं हुआ इसका इसके साथ नहीं हुआ ठीक है जी देन इसका इसके साथ नहीं था हुआ इसके साथ हम लोगों ने कर दिया अब हमारे पास ये रह गया इसका इसके साथ भी हुआ हुआ इसके साथ भी हुआ हुआ है तो इसके साथ नहीं हुआ हुआ इसके साथ भी हम लोगों ने कर दिया ठीक है जी तो इसको हम लोग अगर गिन लें तो एक दो एक दो तीन चार पाँच है जी तो एच ऑफ थ्री जो है वो थ्री था और हमारे पास थ्री प्लस थ्री सिक्स के ही इक्वल है तो बेसिकली एक फंक्शन जो है वो इट उसको कॉलिंग हो रही है ठीक है ये देखिए अगर एक फंक्शन ठीक है, 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 है जो कि उसके अंदर कॉल किया जा रहा है और वो इट्स है लेकिन वहां पे आर्गूमेंट देखें टू है सही है यहाँ से हमें पता चला कि हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं लेकिन हर टाइम मुमकिन है कि फंक्शन के पैरामीटर्स डिफरेंट हों ठीक है जी फंक्शन के पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं जब हम लोग एक ही फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन यानी उसी फंक्शन को कॉल करते हैं यानी ये देखें यहां पे H एक फंक्शन है हैंडशेक उसका जो हम कहते हैं उसके अंदर ही हम लोग क्या कर रहे हैं एच को कॉल कर रहे हैं ठीक है विद डिफरेंट आर्गुमेंट ये चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ ठीक है जी विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट ठीक है जी तो ऐसा हो सकता है हम लोग ऐसा जो है वो रिकर्सिव uh, फंक्शंस जो है वो यूज कर सकते हैं तो ये आगे सेम वही उसी एग्जाम्पल को अगर उसका जेनेरिक फार्मूला बनाया जाए तो वो यही है कि जो भी आपके पास फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि लेट सपोज अगर आपने एच ऑफ एन फाइंड करना है कोई भी एन नंबर है हम कह लेते हैं उसको टेन है ठीक है जी तो आपके पास जो फार्मूला है वो जनरली ये है कि आपके पास इधर पहले क्या काल होगा उससे एक कम वाला फंक्शन कि एच विद नाइन ठीक है जी टेन माइनस वन है ना ये देखें एन माइनस वन है तो टेन माइनस वन कितना देगा नाइन प्लस एन माइनस वन यानी के प्लस नाइन तो एच ऑफ नाइन हैंड शेक ऑफ नाइन जो है उसकी वैल्यू प्लस नाइन आप लोग तो उसके अंदर प्रिंट कर देंगे तो जो आपका आंसर होगा वो प्रिंट है और एच ऑफ नाइन जो है वो इट एक आगे एक और फंक्शन है ठीक है जी एच ऑफ नाइन वो किसके इक्वल होगा वो एच ऑफ एट प्लस एट के इक्वल होगा ठीक है ये एक रिकर्जन चलती आ रही है चलती आ रही है जी ठीक है जी मैं इसको आ, इसको आ, आगे लेके चलता हूँ जी हमारे पास आगे रिकर्जन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट क्या है इन सम प्रॉब्लम्स इट मे बी नेचुरल टू डिफाइन द प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ द प्रॉब्लम प्रॉब वही बात कि हमें कभी ना कभी प्रॉब्लम प्रॉब्लम को problem के सूरत में जो है वो हमें आ, उसको डिफाइन करना पड़ता है इट उसको अपने उसको उसी प्रॉब्लम के तौर पे ही जो है ना वो लिखा जा सकता है प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम बताई जा सकती है इज यूजफुल फॉर प्रॉब्लम कहाँ पे इस्तेमाल होती है जी ऐसी तो प्रॉब्लम्स के अंदर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंपलर वर्जन ऑफ सेम प्रॉब्लम यानी वही सेम प्रॉब्लम को हम लोग सिंपलर करके तो अपनी बड़ी प्रॉब्लम को वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने अभी पीछे किया है कि हैंडशेक ऑफ टेन था ना लेट्स सपोज तो हमने क्या किया हमने उसी फंक्शन को उसके अंदर कॉल किया हैंडशेक ऑफ नाइन प्लस नाइन अगर हैंडशेक ऑफ फोर था तो हम लोगों ने क्या किया हैंडशेक ऑफ फोर इक्वल्स टू हैंडशेक ऑफ थ्री प्लस थ्री हम लोग देखें उस उस फंक्शन के आंसर के अंदर उस फंक्शन को दोबारा कॉल किया जा रहा है विद डिफरेंट पैरामीटर्स ठीक है ना उसके डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स हैं आगे ये देखिए हमारे पास अगर हम लोगों ने एक फैक्टोरियल फंक्शन है ये निकालना है तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं ना ये देखिए अगर हम लोग फाइव का फैक्टोरियल है उसको अलग कर लें और उसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर लें ठीक है जी तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं जबकि फाइव का फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय ठीक है ऐसे नहीं हो सकता और देन ये जो दे फैक्टोरियल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल ठीक है ये प्रॉब्लम को देखें हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं ठीक है और जब हमारे पास ये चीज आ जाए कि अब थ्री फैक्टोरियल है तो थ्री फैक्टोरियल को कैसे निकालना थ्री मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल ठीक है जी और टू फैक्टोरियल को कैसे निकालना है टू मल्टीप्लाई बाई वन फैक्टोरियल और सिंपली आप लोग उसको वन भी लिख सकते हैं बात की समझ आई है ना ये देखें ये ब्रेक होती होती हम लोग उसको कितने सिंपलर लेवल पर तक ले जाते हैं ठीक है आगे चलते हैं जी हमारे पास एग्जाम्पल टू है फैक्टोरियल फंक्शन जिसको आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि n जिसका भी फैक्टोरियल लेना है उसमें आप क्या करें कि उसको Uh, लिखें uh, उस वैल्यू को लेट सपोज अगर आपने फोर फैक्टोरियल लेना है फोर फैक्टोरियल तो आपके पास जनरल फंक्शन क्या बनेगा फोर मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय एन एन क्या है फोर है फोर माइनस वन फैक्टोरियल अच्छा फोर माइनस वन फैक्टोरियल क्या ये नहीं कि थ्री फैक्टोरियल इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग फोर फैक्टोरियल लिख सकते हैं फोर फैक्टोरियल इक्वल है फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल के ठीक है जी तो अगेन लाइक आई बिफोर थ्री फैक्टोरियल अगेन आगे फर्दर जो है उसको आप लोग थ्री फैक्टोरियल की उसमें सूरत में लिख सकते हैं ठीक है देन आप लोग उसको टू फैक्टोरियल देखिए फैक्टोरियल इज ए फैट आप कंसिडर करें फैक्टोरियल फंक्शन है देखिए अगेन वो सब प्रॉब्लम के अंदर फैक्टोरियल फंक्शन यूज हो रहा है जिसको आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है जी

ये एक जो है वो फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग कोई ना कोई आर्गूमेंट दे रहे हैं नम नाम से ठीक है ये देखिए यहाँ पे कोई कोई ना आर्गुमेंट आ रहा है इस जगह पे अब हो क्या रहा है इफ नम इज लेस देन वही चेक लगा रहे हैं जिसकी मैंने बात की थी कि वो आपको पता है माइनस वन नहीं होना चाहिए ठीक है ना माइनस uh, में वैल्यू नहीं होनी चाहिए ठीक है जी तो ये देखे हमने चेक वो लगाया हुआ है एल्स एल्स क्या करो यहाँ पे ये देखें जरा क्या किया हुआ है एल्स ये करो कि जो नम की वैल्यू है नम की वैल्यू कितनी है लेट सपोज नम की वैल्यू है हम लोगों ने एंटर की इधर फाइव ठीक है जी फाइव इधर आ गया मल्टीप्लाई बाय अच्छा फिर क्या होगा अब जरा रिकरियन बच्चों गौर से समझ नहीं है यहां आपको समझ आनी है रिकरियन की ठीक है अब फाइव बाय अब क्या हो गया अब अगेन फंक्शन कॉल हो गया फंक्शन कौन सा कॉल हुआ है फैक्ट नम माइनस वन यानी फोर इसका मतलब अच्छा, ये ये तो ओके अब क्या करेंगे अब हम अगेन इस फंक्शन को चलाएंगे बेसिकली तो लूप वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे कायम हो रहा है आगे चलते हैं अच्छा फिर क्या होगा फिर हम लोग आएंगे चेक होगा कि क्या नम जो है वो इक्वल है वन के या लेस देन वन के इक्वल तो नहीं है तो वो उसने कहा कि नहीं जी ये कंडीशन फ़ाल्स है अभी तक अभी तक ये कंडीशन जो है वो फ़ाल्स है तो क्या हुआ कि हम नीचे आए तो अगेन हमने क्या किया फाइव मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर फोर ठीक है जी और वो कितना हो गया ट्वेंटी तो ट्वेंटी और आगे फिर क्या है आगे फिर उसको मिल रहा है क्या नम माइनस अगेन फैक्टोरियल को कॉल किया जा रहा है तो अब नम माइनस वन कितना थ्री तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू? थ्री आ गई वैल्यू। अगेन होगा कर दिया जाएगा थ्री के साथ, 60 हो जाएगा और फिर हमारे पास नम माइनस वन कर दिया जाएगा और अगेन कॉल हमारे पास किसको तो, जो है वो टोटली totally चली जाएगी वो कौन सी किस आर्गूमेंट के साथ जाएगी थ्री के साथ अब हमारे पास थ्री सॉरी टू के साथ ऐसे ही बच्चों एक वक्त आएगा कि जब आप लोग वन के साथ भी कर चुके होंगे आपका जैसे ही आप लोग वन से हमारी वैल्यू जाएगी नम माइनस वन अगर लेट सपोज नम की वैल्यू उस वक्त वन है तो वन माइनस वन जीरो हो गया अब इस जगह पे आके वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगा वन ठीक है जी तो सिंपली यहाँ से फिर एल्स पार्ट जो है वो आपका नहीं चलेगा तो बच्चों जब तक वो आ, इस वन से पहले जो है वो सारी की सारी आपकी वैल्यूज ये जो हैं ये रिटर्न हो जाएंगी ठीक है जिसको आप लोग वहाँ कर रहे होंगे ठीक है एंड आप लोग उसको फिर आपकी मर्जी है कि आप लोग उसको प्रिंट भी कर सकते हैं आप लोग उसको किसी और तरीके से भी यूज करेंगे सिंपल रिकर्जन जो है ये आपके सामने मैंने रखी है जी स्टूडेंट इसमें किसी बच्चे का क्वेश्चन हो रिकर्जन का मकसद बेसिकली ये है आप लोग प्रॉब्लम को इन टर्म ऑफ स्मॉलर चंक ऑफ प्रॉब्लम आप लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स तो आगे चले आगे मजीद कुछ इसकी एग्जाम्पल लेकिन आ, मैं इसको इस चंक को यहाँ पे जो है वो पाज करता हूँ ठीक है बल्कि इसको हम लोग चले कंटिन्यू कर लेते हैं नेक्स्ट भी देख लेते हैं ये देखें उसी प्रोग्राम की वर्किंग है कि हमारे पास इनिशियली जो वैल्यू है

तो अगेन ये फैक टू जब कॉल होगा तो फैक टू की वैल्यू के अंदर जब जाएगा तो टू को चेक कर रहा है ठीक है लेकिन अगेन उसको जो है वो वैल्यू हमारे पास वो मिल रही है आ, नो है है यानी कि ये तो हम क्या करेंगे अब हम two को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये देखिये फैक वन का फंक्शन कॉल हो गया अब साथ ही तो हमारे पास वैल्यू अभी भी जो है वो इक्वल हाँ अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इक्वल आ गई है तो हम लोगों ने सिंपल क्या कर दिया रिटर्न वन और एंड पे हम लोग इनको क्या करेंगे इन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनके रिजल्ट जो हैं वो इस तरीके से आंसर आएगा हमारे पास यानी वैल्यूज हमारी क्या क्या थी थ्री था टू था और वन था उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया तो इस तरीके से बच्चों रिकर्जन जो है वो काल होती है ठीक है

और आपके पास ये तो आप लोग कंडीशन के लिए लगा हुआ ना आप लोगों लो उसका पार्ट समझ लेते हैं लेकिन फिर भी देखें तो हमारे पास से जो है एस कम्पेयर की स्टेटमेंट्स जो है वो ज्यादा है ठीक है जी तो जी असाम का आपका कोई क्वेश्चन है आप एनोटेशन कर रहे हैं जी असाम ओके जी मुमकिन है गलती से हुआ आगे चलते हैं जी रिकर्जन uh, मजीद इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों, के, आप लोग जब कॉल करते हैं ना फंक्शन को एक फंक्शन को जब कॉल की जाती है तो मेमोरी भी ज्यादा लगती है टाइम भी ज्यादा लगता है देन एडजस्टिंग लूप काउंटर जबकि जो लूप होता है उसमें हमारे पास ये जो है टाइम और मेमोरी जो है वो कम लगती है एज कंपेयर टू रिकर्सिव फंक्शन ठीक है बार बार एक जब फंक्शन को आप लोग कॉल करते हैं अब अगला क्या है जी पॉइंट ये हम बेसिकली ट्रेड ऑफ है ना कुछ चीजें ट्रेड ऑफ होती हैं मैंने याद होगा कि जब मैंने आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात बताई थी तो आपको अभी भी वो बात याद होगी कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुमकिन है कि मल्टीपल uh, हैं और आप बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट मुमकिन है कि आप एक सोल्यूशन को बेहतर समझ रहे हैं और उसी वक्त में दूसरे सोलूशन को आप लोग गलत समझ रहे हैं जबन आप जाती है तो इवन यहाँ पे देखिये तो ट्रेड ऑफ है किसमें मेमरी टाइम के अंदर आप अगर चाहते हैं कि आपके पास इन मेमरी है टाइम भी ठीक है आप लोगों के पास जो है वो, वो कोई मसला ही नहीं है उसमें

Hardly ever used रिकरिएंट। वहाँ पे तो इसको रिकरिएंट को बहुत कम यूज किया जाता है। जी फिरहाद आपको क्वेश्चन है। जी फिरहाद। सर अस्सलामुअलैकुम सर। सर ये आपकी वास बहुत जर्स्लोग हो गई है। जी मैं इसको चेक करता हूँ। एक मिनट सिर्फ। थैंक यू सर। जी क्लास अब ठीक है आवाज मुमकिन है मेरा ख्याल है ठीक हो गई होगी मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज की है तो अच्छा चले आ, क्लास कोई एक बच्चा मुझे बता दे अब आवाज ठीक है कोई एक बच्चा बता दे मुझे जी मनान जी मनान अब ठीक है आवाज जी सर आवाज ठीक है आपकी पहले भी ठीक थी अभी भी ठीक है अच्छा अच्छा वो फिर कुछ हुआ होगा थैंक यू थैंक यू मनान अच्छा जी ओके जी ए, ए, अब ये जो मैं बात आपको बता रहा था कि हम लोग अक्सर ये होता है कि अब ये देखें जैसे हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है वहां पे ग्राफिक एक्शन गेम्स हैं ठीक है हमारे पास सिमुलेशन इसकी की आपको पता है सिमुलेशन किसको कहते हैं कि जिसमें आपके पास कोई चीज फिजिकली या आ, इन रियल वर्ल्ड आप लोग वो चीज मॉडल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता लेकिन आप उसको कंप्यूटर के जरिए स्नैरियो क्रिएट करके तो आप उसको करते हैं ठीक है ये एरोप्लेन की जो क्रैश है वो उसको भी सिमुलेट करके देखते हैं इवन आप लोगों की जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो भी इसको सिमुलेशन को यूज करती है कि ये होता क्या है कि एक रूम होता है जहां पे जो पायलट है उसकी ट्रेनिंग के लिए उसको बिठाया जाता है और वो एक ऐसी सीट पे बैठा होता है जिसको इर्द गिर्द उसके एल इस तरह से लगी होती है वो अपने आप को जब वो उसके अंदर बैठता है ऐसे महसूस करता है कि जैसे वो एक फाइटर प्लेन के अंदर बैठा हुआ है

थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा था तो उसमें मैंने बच्चों को एक लैब करवाई थी जिसमें मैंने उनको प्रोटियस यूज करवाया था ठीक है दैट इज आल्सो अ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर फॉर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो उसमें हम लोग क्या करते थे उसमें हम लोग मोटर्स इस तरह सेल ठीक है इस तरह बटंस इस कैपेसिटर्स इस तरह की चीजें जो थी जो हम लोग उसमें पढ़ रहे थे उसको हम लोग हम लोगों ने यूज किया था यानी अगर हम लोग वो पढ़ रहे हैं कि वोल्टेज है उसको चेक करना है कि आ, सीरीज सर्किट में ड्रॉप हो रही है या हमारे पास हम जो है, या वो क्या चीज़ है हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करते थे उसको आ, सीरीज में लगा के या फिर पैरेलल में लगा के तो हम लोग उसके साथ एक मीटर अटैच करते थे तो हमें पता चल जाता था यानी बेसिकली वो चीज जो बच्चे रियल वर्ल्ड में जाके नहीं कर सकते उसको अभी ड्यू टू रिसोर्स लिमिटेशन ठीक है

बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है ठीक है जी इन लेस डिमांडिंग एप्लीकेशन अगर आप लोग जो इतनी बड़ी एप्लीकेशन नहीं है जो इतनी कम्प्लेक्स नहीं है वहां पे आप लोग अगर चाहें तो अट्रैक्टिव अल्टरनेट के तौर पे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं आपके पास वो यूज हो सकती है फॉर द राइट प्रॉब्लम्स आगे देखें जी तो हमारे पास मजीद है

अब यहाँ पे देखें तो ये टेन वाली कंडीशन आएगी नहीं क्यों क्योंकि हम टू का इंक्रीमेंट कर रहे हैं ठीक है अब वन के अंदर टू का इंक्रीमेंट करेंगे फिर टू का करेंगे ये तो टेन कभी भी नहीं आएगा क्योंकि इज एन इवन नंबर और हम जब एड करते जाएंगे ये बार बार आठ नंबर ही आएगा ये नहीं पहली दफा इंक्रीमेंट होगा थ्री आएगा फिर फाइव आएगा फिर सेवन आएगा नाइन आएगा इलेवन आएगा टेन को स्किप कर गया ठीक है क्योंकि हम लोगों ने इंक्रीमेंट कितने का किया है हम लोगों ने टू का इंक्रीमेंट किया है और जब टू का इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमारे पास ये जो आ, ये जो हम लोगों ने कंडीशन रखी हुई है ये तो मीट ही नहीं करेगी और जब मीट नहीं करेगी तो लूप हमारा चला जाएगा इनफाइनाइट की तरफ देखिये रुकेगा ही नहीं ये लूप तो ये देखिए ये इनफाइनाइट लूप है कि नहीं है तो इनफाइनाइट लूप तो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट रखता है प्रोग्राम के ऊपर ठीक है जी तो यहाँ पे देखें तो हम एक और जो है वो करते हैं कि रिजल्ट रिजल्ट इक्वल्स इक्वल्स टू टू अगर रख है और हम लोगों ने while result is greater than, uh, zero, जीरो से greater है तो रिजल्ट प्लस प्लस अब टू हो जाएगा रिजल्ट देन थ्री होगा ये तो चलता जाएगा तो दिस इज आल्सो एन इनफाइनाइट लूप ये हम लोग पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा लूप जो कि रुके ना आगे चलते हैं तो सिमिलरली इफ वी यूज रिकर्जन वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू क्रिएट एन इनफाइनाइट चेन ऑफ फंक्शन कॉल्स ये देखें इंपॉर्टेंट चीज है जी बच्चों कि हम लोगों ने इसको आ, कोई भी ऐसी ऐसा नहीं बना के दे देना कि हम लोग जो है उसको इनफाइनाइट लेवल तक लेते जा, ले के जाते जाएं अब यहाँ पे देखें तो कंडीशन नहीं रखी हुई इफ वाली वो जो हम लोगों ने पीछे फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया था वहां पे आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक वो बनाया था आ, वो जो ए, एक कंडीशन रखी थी ठीक है कि इफ नम जो है वो इज नॉट इक्वल टू आर लेस देन ठीक है तो वहां पे जो है हम लोग वो उसको पार्ट को चला के तो रिटर्न कर देते थे तो यहाँ पे भी तो वही चीज है ठीक है जी लेकिन यहाँ पे देखें तो वो कंडीशन नहीं है तो जब कंडीशन नहीं है तो चेक नहीं है तो जब चेक नहीं, तो नहीं है तो हमारे पास ये इनफाइनाइट चेंज चलता जाएगा चाहे नेगेटिव नंबर्स है आर्गूमेंट आपका नेगेटिव होता जाएगा ठीक है जी ये तो फिर क्या होगा ये दोबारा नम माइनस वन लेट सपोज मैंने टू का फैक्टोरियल लेना था मैंने टू इधर एंटर किया तो टू आया इधर ठीक है है जी मल्टीप्लाई बाय तो हमारे पास नम वन नम यानी कि का फैक्टोरियल फिर ऊपर गया इधर हमारे पास अब वैल्यू वन आ गई है तो वन की उसके बाद वन यहाँ पे जब अगली कॉल होगी यानी कि वन स्टेरिक अब क्या होगा जी यहाँ पे यहाँ पे ये यह होगा वन ठीक है जी सॉरी यहाँ पे नहीं वन तो सारी सारी एक तो एक जो है वो कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट रखती है देखिए आप लोग बार बार उसको कॉल करते जा रहे हैं आप तो उसको रोक ही नहीं पा रहे ये, देखें ये रुकेगी नहीं ठीक है जी इनफाइनाइट चेंज चल जाएगी किसकी फंक्शन कॉल्स की रिकर्सिव फंक्शन की ठीक है जी तो इसको आप लोगों ने रोकना है और उसके लिए रोकने के लिए जो है वो आप लोग कोई ना कोई चेक जो है वो यूज करेंगे यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास हम लोगों ने क्या किया है कि इफ नम इज लेस देन आर इक्वल्स टू ठीक है जी यहाँ पे हम लोगों ने ये कर दिया है और लेकिन यहाँ पे देखें तो कंडीशन हमारी क्या है कि नम प्लस वन तो यहाँ पे भी हमारे पास ये नो टर्मिनेशन ठीक है अगेन यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं हो रही क्यों नहीं हो रही क्योंकि पीछे आप देखें नम माइनस वन कर रहे थे

यानी कि रिकर्सिव फंक्शन जो है यानी कि इटसेल्फ जो कॉल कर रहा है बार-बार उसको वो बंद कर दे एक सर्टेन कंडीशन ऐसी आनी चाहिए एक सर्टेन सिचुएशन uh, ऐसी आनी चाहिए ठीक है जी एक सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि मीट होने पे हमारे पास रिकरियन जो है वो ब्रेक हो जाए आगे مزید دیکھتے ہیں اس کے اوپر ریکرشن از ونے ٹو ڈیکومپوز ٹاسک انٹو سمالر سب ٹاسک ٹھیک ہے وہی بات ہے

जो जो कि मजीद जिसको काल हमें आगे नहीं करना यानी कि अगर वन फैक्टोरियल निकालना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है ना वैल्यू मौजूद है ठीक है ये हमें सबको पता है ठीक है, है बाकी सारी जो रकमें हैं उसको हम लोग इस, इसी फार्मूले के तहत जो है वो यूज करेंगे और एक हमें वैल्यू पता है वो कौन सी है ये ये वो वो चंक है, 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 है सब 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 प्रोग्राम है, सब पार्ट है, या सब टास्क है जिसकी वैल्यू का हमें पता है और इसको हम लोगों ने फंक्शन में से गुजारना नहीं है इसको हम लोग फंक्शन में से नहीं गुजारेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू वन है हम सिंपली इसका रिजल्ट यूज करेंगे ताकि हमारा जो रिकर्शन का एक चेन है वो ब्रेक डाउन हो जाए जब वन पे पहुंचे हमारे